क्वेश्चन एमसीक्यू थे, तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा आई नो, पर मैं उसके साथ आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ जिससे आपकी और बोर्ड एग्जाम के टाइप से प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो क्वेश्चन से पहले आपके आंसर से उसके साथ जो क्वेश्चन आएंगे वो देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यू था, पीबी प्लस सीयू सीएल टू गिव्स पीबी सीएल टू प्लस सीयू, आपको बताना था किस प्रकार की रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और ये फर्स्ट चैप्टर से था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस रिएक्शन में पीवी ने सीयू को डिस्प्लेस कर दिया, तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब आप मेरा आपके लिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन है कि आप मुझे एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जाम्पल और देंगे। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताएंगे। फर्स्टली आप अपना नाम लिखेंगे, आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और आप किस स्कूल से हैं, स्कूल नेम, गवर्नमेंट स्कूल से हो, प्राइवेट के बच्चे देखेंगे नहीं क्योंकि उनके सेट नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जहाँ से। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा एग्जाम्पल कैसे देना है, और जिसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मुझे लगेंगे, जिसके आंसर ऑल ओवर पूरे क्वेश्चन पेपर से आंसर जो मुझे है उसको पिन किया जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, तो आप सभी जानते हैं ये सेकेंड चैप्टर से था और इसका आंसर है एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल मैं कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के आपको बता दूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओ टू, एस ओ टू। आप कोई एक या दो एग्जाम्पल मुझे इसमें भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि साइंस में आप रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल जब तक नहीं लिख लेते तो उसको आपका हाफ मार्क्स बोर्ड के तरफ से भी काट सकता है। तो हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके चलनी ही नहीं कि हमारे नंबर कटने चाहिए, वी हैव टू स्कोर 100 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एट नून द सन अपीयर वाइट ड्यू टू, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 11 आई थिंक फिजिक्स से था, जो लाइट वाले के बाद आपका चैप्टर है उससे। तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जो दोपहर का समय, मैं कह सकता हूँ नून, उस समय हमें जो सूरज है वो वाइट क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन ए, द लाइट इज सेटल्ड द लीस्ट, और उसी समय जो सन वो सबसे हाइट पर होता है बिल्कुल स्ट्रेट अर्थ के। आपने अगर 11th की जो बुक्स के है उनको अच्छे से पढ़ा होगा वहाँ से। द नेक्स्ट इज द जाइलम इन प्लांट, क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, सही होगा सबका आई नो। तो मुझे मेरा क्वेश्चन है कि मिरर की SI यूनिट क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में तो वो भी आनी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, तो जाइलम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आप मुझे बताएंगे कि फ्लोएम किस लिए होता है, और आपको मैंने आंसर बता ही दिए हैं कि कैसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो आप उसी तरह से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम आपके आंसर अच्छे से समझ सकें। आप वीडियो देखते वक्त क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूँ, और साथ के साथ लास्ट में कमेंट सेक्शन में कंप्लीट आंसर देना जिससे पिन हो सके कमेंट अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप्स, आपके दो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसी तरह चलते हैं। द ग्लैंड विथ सेक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड डैश, तो ये आपका 7th चैप्टर से है। अगर एनसीईआरटी में आपको मिले हो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें ग्लैंड शो कर रखे हैं जैसे थायरॉइड, पैराथायरॉइड, तो उसी में है एंडाक्रोन, मतलब उन सभी ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडाक्रोन ग्लैंड, जो हॉर्मोन्स, जैसे अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहीं वो हमारी फीलिंग्स को हम लोग बनाएंगे, बट एक्चुअली वो हॉर्मोन्स होते हैं जो उसमें हमारी बॉडी में गो थ्रू होते रहते हैं ब्लड सेल्स की वजह, जो जल्दी जल्दी होते हैं, और जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं कई बार ऐसा। तो इसलिए और ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यही जल्दी जल्दी अपने हॉर्मोन्स को ब्लड सेल्स में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर फार्मूला क्या था, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप सोच रहे होंगे अब आप हमसे लेंस फार्मूला पूछोगे, नहीं, मैं आपसे मिरर फार्मूला ही पूछना चाहूँगी। आप मैंने आपको बता दिया कि VUF, आप मुझे बताइए VUF किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और कनकेव लेंस में ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं और कन्वेक्स में कैसे होते हैं। आई थिंक आप सब ये पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे।
तो उनकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर चला जाता है, आई मीन टू से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तब उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब आप कहेंगे ये इतना अलग अलग कैसे है, हमारे शरीर में हमें तो कभी नहीं पता चलता ऑक्सीजनेटेड कब हुआ डीऑक्सीजनेटेड कब हुआ। तो ये बहुत कॉमन है और ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, दैट्स वाई वी कांट, मतलब हमें पता ही लगता है एक्चुअली वो भी गलत। अब आप देखिए, आप आई विल टेक 1 सेकेंड ओनली, और आप भी शायद 2, 5, 10 सेकेंड से ज़्यादा इसको होल्ड ऑन नहीं कर सकते। तो ये इतनी जल्दी इनहेल और हम एक्सहेल करते हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है। तो अब 1 सेकेंड में हो क्या रहा है हमारी बॉडी में, मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ। जब एल्वोली फूलती है तो एल्वोली के साथ जो हमारी नर्व्स हैं, ब्लड नर्व्स, वो फूलती हैं, वो ब्लड कैरी करती हैं, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अभी भी हमने हवा ली है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, आपसे भी जाता है हार्ट के 4 चैम्बर, उनमें से गो थ्रू होकर कुछ पल्मोनरी वेंस, राइट एट्रियम, आप सब पढ़ चुके होंगे, तो उसके तरफ ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं ले जाऊँगा आपको, बट बेसिक है कि कैसे होता है वो समझाना चाहूँगा। तो जो हार्ट में जाता है खून, देन वो पूरी बॉडी से गो थ्रू होकर पहले हार्ट में जाता है, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, देन पूरी बॉडी में घूमता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो ब्लड को कैरी करता है दोबारा खून, और दोबारा एल्वोली के पास आता है, और जब एक्सहेल करते हैं वो एल्वोली के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड बाहर नहीं आता कभी भी, गैसेस बाहर आती है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर एक्सहेल करता है, और जब इनहेल करता है। तो डबल सर्कुलेशन में आपको एक अच्छे से कैसे समझा सकती हूँ हिंदी में, पर आप मतलब हिंदी या इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में, बाकी आप उसे अपने तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की नहीं, क्योंकि साइंस रटने की तो होती नहीं है। तो डबल सर्कुलेशन, अगर आपने हमारा हार्ट देखा होगा, मैं एक्चुअली में ऐसी वाली शेप तो होती नहीं हार्ट की, सबको पता है एक्चुअल कुछ इस तरह का होता है हार्ट, हमारी जितनी ब्रिस्ट है उतना ही हार्ट का साइज है एक्चुअल, हमारे हार्ट का, जैसे मेरा, मेरी ब्रिस्ट इतनी है तो मेरा हार्ट इतना ही है, आपकी ब्रिस्ट अगर बड़ी है छोटी है तो आपका हार्ट भी बड़ा और छोटा, इट्स डोंट मीन ये बड़ा है ये छोटा है कि ये कुछ हेल्थ इशू क्रिएट, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ हार्ट बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कई बच्चे होते हैं वो छोटे होते, कई बच्चे होते लंबे होते हैं, तो इस तरह हार्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है बड़ा छोटा होने से। अब हम काम समझते हैं डबल सर्कुलेशन क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं हार्ट 2 बार खून को लेके आता है और लेके जाता है, तो मैं आपको रेस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके समझाना चाह रही हूँ। तो जब हम सांस लेते हैं, आई मीन टू से इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हमारे थ्रोट से गो थ्रू होकर हमारे लंग्स में जाती है, और हमारे लंग्स में क्या होता है, एल्वोली, आई थिंक सबने पढ़ा होगा एल्वोली क्या होता है, एल्वोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम इनहेल करते हैं एल्वोली फूलती है। अब आप देख रहे हैं इट टेक्स सेकेंड ओनली, तो अब आपको समझ में इतनी जल्दी हो कह रहा है, तो अब वो जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होती रहती, इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा बॉडी कोई भी पार्ट काम करना रुक जाए तो मे बी वी कैन लीव, बट अगर हमारा हार्ट काम करना बंद हो जाए तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि जब हमारा ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं फ्लो होगा बाहर और अंदर, तो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आई थिंक आप सब अच्छे से कर गए होंगे, और अगर आप इसे डायग्राम बनाकर आए हैं, मतलब मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि डायग्राम बनाए चाहिए, पर अगर आप बोर्ड की तैयारी की तरफ से इसको देखते हैं तो आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस कीजिए तभी बोर्ड में बनेगा। तो अगर आप हार्ट अच्छे से बना कर आए, दिखाते हो उसमें कि हाँ ये ऑक्सीजनेटेड गया, ये डीऑक्सीजनेटेड गया, आप ऐसे शो करके आए, तो मैं इनको नहीं लगता कोई टीचर आपको कोई मार्क्स काट पाएगा, बट फिर भी हम बोर्ड के अंदर जैसे देखें तो कोई टीचर ऐसे मार्क्स नहीं काटेगा, बट एट प्रेजेंट 20 मार्क्स के लिए इनफ था ये, क्योंकि हमारे 20 मार्क्स लिए सेट था, पर 5 मार्क्स के लिए इनफ क्वेश्चन था। पर अगर आप बना के तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना के तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन है आप इसको बना के। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी, ए इज अ बैलेंस रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर बी है हमारा कि जो बारिश का पानी है उसमें करंट क्यों होता है, जो नॉर्मल हमारा घर का पानी है उसमें करंट क्यों फ्लो नहीं होता। तो क्वेश्चन ए बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है, तो अब चलते हैं रेन वाटर की तरफ। तो जो रेन वाटर, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब गो थ्रू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से,
क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पर जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसमें आयंस नहीं होते, पर जो हमारा रेनी वाटर है उसमें आयंस होते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें गो थ्रू हो जाती है। जैसे जो हम, अगर मैं आपको एक लोकल सा एग्जाम्पल दूँ, तो हमारे आप सभी के घर पे इन्वर्टर्स होंगे, सबके घर पे है ना। तो जब आप कभी कभी देखते हो पेरेंट्स में उसके अंदर पानी डालते हैं, वो कहते हैं कि पानी कम हो गया इसका, तो जब हम इन्वर्टर्स में पानी डालते हैं तो वो वही पानी होता है जो डिस्टिल वाटर होता है कि जिसमें करंट गो थ्रू ना हो या अच्छे से हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी में पास हो जाती है। द 14th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेट वॉज डबल सर्कुलेशन। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, इसको मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ, बाकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट या जहाँ से आपने याद किया वो बहुत अच्छा करके आएगा आई होप। तो सी है वो सेम, यहाँ भी वन और वहाँ भी वन है। तो बैलेंस करने के लिए जितने एलिमेंट यहाँ होने चाहिए उतने ही एलिमेंट, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 2 है तो ये कम है, और यहाँ नाइट्रोजन 1 है 2 है तो ये अलग अलग है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, अगर ये प्रैक्टिस है आपकी तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो यू हैव टू टेक टाइम। और मेरा सजेशन ये है कि आप सब इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वैसे मोस्टली 2 से हो ही जाती है, पर अगर ना हुई तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया OH2 3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सबके नाम क्या, जैसे H2 तो हमें पता ही है वाटर है, HNO3 CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 गिव्स होल ट्वाइस, ये क्या है, इनके नाम बताइए कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमने हमारे आएंगे अब दोबारा, ताकि जो हमें पता भी लगे ना सेम हुए हैं या नहीं उस वजह से। तो अब देखिए हमारे पास हो चुके हैं हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हैं 2, तो हाइड्रोजन तो ये 2 परेशानी हो गई, तो हम यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हैं हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर मिलकर हो गए 2 और यहाँ पर भी हो गए 4, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ये 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर भी 2, तो दैट वॉज ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गई है 2, 3, 6 और 2 ये 8, 6 + 2 8, दैट वॉज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो फर्स्ट टाइम में हो गया ये 1, 1, तो 2 बहुत कॉमन सा है, बाकी अगर नहीं होता तो आप इसको और भी कर सकते, पर अगर आपका अच्छे से आपकी प्रैक्टिस है तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 12 था कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको आइसोलिन इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं। तो आइसोलिन इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आइसोलिन जब हमारे ब्लड में जाता है तो वो शुगर, ब्लड सेल से शुगर को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। आई होप आप इसको इंग्लिश में या जैसे भी आपने गाइड या बुक से याद किया होगा वैसे आप इसको लिख के आएंगे, बट अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे उनकी तरफ चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 to 8 जो आपके 1 word थे। तो पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। तो ये आपका एनसीईआरटी में जो टेक्स्टुअल क्वेश्चन चैप्टर के बीच में दिया था वहाँ से है, और इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको आंसर इतना ही कहना था, पर मैं आपसे पूछूँ इसका फार्मूला क्या लिखा, मतलब जैसे हम नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन का कितना होता है pH? तो ये 12 to 14 हो सकता है, आप मुझे बताएंगे pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द फार साइटनेस। ये हम इसको एक और वर्ड से, ताकि आपको ये ब्रेन में रहे कि हाँ फार साइटनेस को हम और क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं जब हमें हाइपरमेट्रोपिया का कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो हम उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। आप मुझे बताइए कि मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपके जो 1 word है वो ख़त्म होते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है कि आप एक लेंस की जो हमारा टेंथ चैप्टर है उससे रिलेटेड है, तो मैं आपको एक बस एक रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ वो। तो ये तो हमारा हो गया लेंस,
ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसको फेयरली बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा 2F2 दैट इज़ 1 एंड 1। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा ऑब्जेक्ट है 2F1 पर, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। तो रेज, आई होप कि आप सभी को पता होगी रेज कैसे कैसे पास थ्रू होते हैं, तो मैं वैसे नॉर्मली आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारी रे मिरर लेंस और देन यहाँ से बैंड होकर F1 से, और जो हमारी डायरेक्ट रे है वो यहाँ से। तो अगर हम इनको ऐसे लॉन्ग थ्रू करें तो अप्रोक्स 2F2 पर ही बन रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में इसको अच्छे से ऐसे बना के आए साफ़ सुथरा, मतलब स्केल वगैरह से लाइन वगैरह से मार्क, तो होप कोई टीचर आपके मार्क्स ना काटे। जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, सर मैं यहाँ से हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर ऐड नहीं हूँ। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बेनिफिट जो है वो ये हैं कि आपको कोई भी हरियाणा बोर्ड से न्यूज़, सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर, हर तरह की न्यूज़ आपको वहीं से मिल जाएगी। तो होप, थैंक यू।